एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा एक बार फिर और एक केस के साथ। आज ये जो केस है, मैं इस केस के माध्यम से अपने सभी व्यूअर को एक सुझाव सलाह देना चाहता हूँ, और वो ये कि इस केस के बारे में जब हम आपको डिटेल में बताएंगे तब आप समझ पाएंगे कि मेरा जो सुझाव है या जो मेरा सलाह है वो क्या है। ये एक केस ऐसा था कि ये भैंस चरने के लिए गई थी और इन्हीं के गांव की दूसरी भैंस ने पीछे से इसके वार किया था, और उसमें जो इस दूसरी वाली भैंस का हॉर्न था इसके एरनस के माध्यम से अंदर इंटर कर गया था, और फिर उसने इतना ताकत के साथ ऊपर हिट किया कि जिसकी वजह से इसकी जो एनल रिंग थी और इसका रेक्टम का पोर्शन था वो फट गया था। एक्चुअल फोटोग्राफ्स जो इस समय मेरे पास नहीं है, डिलीट हो गए हैं, वो बहुत ही भयावह था। कुछ पार्ट जो हमारे पास है वो मैंने इसमें लगा दिया है, उस वीडियो के पार्ट्स को। इस केस में जब किसान ने हमारे पास फ़ोन किया तो सबसे पहले बताया कि साहब इस तरीके की घटना हो गया है। फिर मैंने उससे कहा आप मुझे एक वीडियो भेज दीजिए, उसने वीडियो भेजा। फिर मैंने उसको बताया कि भाई इसमें सूचर लगाना पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट होगा तब जा कर के ये रिकवर होगा, और एक लंबा ट्रीटमेंट इसका चलेगा। इस किसान के यहाँ की एक मान्यता ये थी कि हमको अपने पशुओं में इंजेक्शंस नहीं लगवाना है, आप गोली खिलवा दीजिए। गोली खिलाने के लिए वो तैयार हुआ था, इंजेक्शंस नहीं लगवाना चाहता था। इंजेक्शंस में इवन वो सूचर भी नहीं लगवाना चाहता था। तब मैंने कहा कि भाई जब इंजेक्शंस भी आप नहीं लगवाओगे, सूचर भी नहीं लगवाओगे तो वो जुड़ेगा कैसे। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ ये मान्यता है कि अगर हम अपने भैंस को इंजेक्शंस लगवा देंगे तो वो मर जाएगी। फिर मैंने उसके जब घर गया दूसरे दिन, मुझे उस दिन उसने मना कर दिया। फिर वो आसपास के कुछ और जो वह मतलब काम करने वाले थे उनको बुलाया और दिखाया, सब ने हाथ खड़े कर दिए। फिर दूसरे दिन उसने मुझे दोबारा से फ़ोन किया, फिर मैं गया उसको देखा, देखने के बाद फिर उसको क्लीन किया। क्लीन करने के बाद देखा कि उसमें बहुत ही ज़बरदस्त स्वेलिंग आ चुकी थी, और स्वेलिंग की वजह से हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। फिर मैंने उसको साफ़ करके जो भी मुझे सूचर लगाने थे उसको सूचर लगाया, और सूचर लगाने के बाद जब मैंने उसकी पूरी कहानी जानी तो उसने अपना बताया कि हमारे घर में जब जब कोई एनिमल्स को इंजेक्शंस लगा है तब तब वो मर गया है। फिर मैंने अगला क्वेश्चन ये किया, आप ये बताइए कि जब आपका पशु बीमार होता है क्या तभी आप इंजेक्शंस लगाते हैं या बाद में लगाते हैं। फिर बहुत पूछने के बाद फिर वो बताया कि नहीं, हम लोग स्टार्टिंग में इंजेक्शंस नहीं लगवाते हैं, जब कई बार ट्रीटमेंट करने के बाद दवा खिलाते खिलाते जब नहीं सही होता है तब हम इंजेक्शंस लगवाते हैं, और जैसे इंजेक्शन लगाते थे वैसे वो मर जाती थी। एक्चुअल्स में ये जो इनका मिथ था वो 100% गलत है। इसकी जितनी भी पशु मरी हैं उसके पीछे का कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर कोई बीमारी स्टार्ट हो रही है तो ये उसका प्रॉपर इलाज नहीं कराते थे, और प्रॉपर इलाज न कराने की वजह से जब ये सारे अपने हथकंडे अपना लेते थे और उसके बाद जब इनका पशु नहीं सही होता था तो ये किसी जो भी इनके यहाँ लोकल प्रैक्टिशनर हो उनको बुलाते थे या किसी को बुलाते हों, उस कंडीशंस में जब वो इंजेक्शंस लगाता था तब वो रिकवरी नहीं मिलती थी। रिकवरी क्यों नहीं मिलती थी, तब तक वो जो बीमारी होती थी वो अपना इतना विकराल रूप ले लेती थी कि वो उसके मेडिसिंस के रेंज के बाहर हो जाता था। तो मैं अपने सभी किसान भाइयों को, अपने सभी व्यूअर को ये बताना चाहूँगा, अगर आपके यहाँ भी इस तरीके का मिथ है तो उसको ख़त्म कर दीजिए। अगर आपका पशु बीमार होता है तो तुरंत आपके यहाँ नज़दीकी में जो भी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक हैं वहाँ पे जाएं और उनकी सलाह के अनुसार अपने पशु का उचित इलाज कराएं, ताकि आपका पशु उचित समय पे सही हो जाए, और जिस उद्देश्य से आपने पशु को पाला है ताकि उस उद्देश्य की पूर्ति आप आसानी से कर सकें।
इनके यहाँ लगभग, इनके बताने के अनुसार लगभग 6-7 पशु इनके मर चुके हैं इंजेक्शंस लगाने के अनुसार। अब इनके दिमाग में ये बैठ गया है कि ये इंजेक्शंस लगेगा तो मर जाएगा। इस भैंस के बारे में बताऊं, ये भैंस जब ये घटना घटी है तो उस समय लगभग 9 महीने की ये गर्भित थी, तब ये घटना घटी है। उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट चला है लगभग 1 महीने इसका ड्रेसिंग और ये सारा चीज़ हुआ है, और इंजेक्शंस जो लगे हैं वो लगभग, मुझे लगता है कि लगभग 7-8 बार इंजेक्शंस इसमें लगा है। लेकिन आज की डेट में इसने अपने जो बच्चा था उसको प्रॉपर्ली जन्म दिया है, और प्रॉपर्ली इसका सारा जो भी जो गोबर का प्रोसेस था, स्टार्टिंग में इसमें क्या करता था, इसकी जो एनल रिंग जो हमने सूचर मारा था वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता था। मतलब स्टार्ट में जो डंग रहता था वो अपने आप निकल आता था, जैसे थोड़ा सा प्रेशर हो निकल आता था, लेकिन धीरे 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 जैसे ही उसकी हीलिंग कंप्लीट हो गई, एनल रिंग प्रॉपर शेप में आने लगा, और फिर धीरे धीरे जो डंग अपने आप निकल जाता था अब उसकी कंट्रोलिंग हो गई है। बाद में आके आप वीडियो में किसान का ओपिनियन भी देखेंगे कि मैंने किसान का ओपिनियन भी लिया कि आप सही है कि नहीं है, या जो उसके अंदर डर था कि इंजेक्शंस लगाने से पशु मर जाता है उसके बारे में उसको समझाया गया है। इसमें किसान जब इसने पूरी सफलता देख लिया तब जा करके इस पशुपालक को ये विश्वास हुआ कि जो हमारे जितने भी पशु मरे हैं वो इंजेक्शन की वजह से नहीं मरे हैं, जबकि सही समय पे सही इलाज ना होने की वजह से मरे हैं। इस तरीके से बहुत सारे किसान भाई हमारे होते हैं अब जो बार बार नहीं करते हैं, मिथ होती है जो अंधविश्वास होता है उन पे डोमिनेट करने लगता है, और जिस जाय दियो जाय दियो जाय दियो जाय दियो जाय दियो ये करेंगे मत। अच्छा गोबर आप सही से करेला? हाँ गोबर सही से, कौन समस्या ना ना। अच्छा अच्छा, एक अब तो डर खत्म होगी कि ना? डर तो खत्म हो गया कि इंजेक्शन लगाए, ये तो खत्म। एक्चुअली में जो आप जिस दिन पहले बार आपने फोन किया था, अगर ऑपरेशन वाला काम उसी दिन सूचर वाला काम हो जाता तो इतनी समस्या नहीं होती। बहुत गुस्सा लगा, पास हम फोन लगाए तो फिर ये जो घर है मम्मी पापा है ना ये सब थोड़ा दिल छोटा कह देंगे। ऐसा जो